प्रधानमंत्री आवास योजना में आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आती रह रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन बनकर बैठा हुआ है। किसी के हिस्से का पैसा दूसरे को दे दिया जाता है। पन्ना जिले की गुनौर तहसील का मामला सामने आ रहा है, जिसमें गुनौर तहसील की ग्राम पंचायत छपरवारा के ग्राम कुसेदर के कल्लू प्रसाद पटेल के हिस्से का पैसा गांव के ही किसी दूसरे आदमी के पास भेज दिया गया और अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने पंचायत सरपंच और सचिव द्वारा फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे लल्लू प्रसाद पटेल मानसिक रूप से परेशान है एवं जिला पंचायत पन्ना जाकर इसकी शिकायत भी की है और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम लल्लू प्रसाद पटेल, ग्राम पंचायत छपरवारा, जनपद पंचायत गुनौर, जिला पन्ना का रहने वाला हूँ। जो मेरा चालू नाम रविकरण पटेल, पिता श्री दयाराम पटेल, माता कुसुम देवी पटेल, जो कि मेरे खाते की राशि रविकरण, पिता गिरजादीन, माता लीलावती की खाते में राशि निकालकर उनका मकान बनवा दिया गया। अब मैंने सरपंच साहब को आवेदन दिया था तो सरपंच साहब कहते हैं कि ज़्यादा राजनीति करो। सरपंच और सचिव दोनों मिलकर कहते हैं कि ज़्यादा राजनीति करोगे तो तुम्हें हर जनक में फंसा देंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, कर लेना राजनीति। उनके पिताजी भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं वेद नारायण शर्मा, जनपद पंचायत गुनौर में। अब वो धमकी दे रहे हैं मेरे को कि ज़्यादा राजनीति करोगे बार बार हम तुम्हें हर जनक लगवा देंगे सरपंच साहब से। ऐसा है, इसलिए मैं ये आवेदन देने जिला पंचायत पन्ना में, जनपद पंचायत पन्ना आया। पन्ना गुनौर से यूडी न्यूज के लिए अमित हरदिया की रिपोर्ट।